फ्रेंड्स, मैंने एक रियूज़ की वीडियो शेयर की थी आप लोगों से कि आप छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं उनसे कैसे बहुत ही सुंदर सुंदर टॉप बना सकते हैं। तो उसमें मैंने स्क्रंची भी शेयर की थी कि मैंने स्क्रंची बनाई थी। तो मुझे एक कमेंट आया था कि दी प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल शेयर कीजिए। तो आजकल आपको पता ही है कि कितने ट्रेंड में हैं ये स्क्रंचीज़, और बाज़ार में इतने महंगे महंगे मिलते हैं कि अगर आप स्ट्रीट साइड पर चले जाइए वहाँ भी आपको ये 100 रुपीज़ की मिलती है। तो मैं आज इसको लेके आई हूँ। आप इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप इसको बना सकते हैं घर पे बचे किसी भी कतरन या टुकड़े से। तो ये मेरे पास एक बेलबट की जो है कतरन ही रखी थी, मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई दोनों इतनी ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ी चाहते हो और कितना ज़्यादा आप चाहते हो कि वो ज़्यादा मतलब चुन्नट वाली हो, यानी कि प्लीट्स वाली हो। तो आप उसी हिसाब से कपड़ा ले लें और इसको इस तरीके से कुछ लंबाई में कट कर लें, और उसके बाद कुछ इस तरीके से ये फोल्ड करके आप सीधी स्टिच लगा लें इस तरीके से। एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे मतलब सिलाई लगाने में। तो आप इसको ऐसे ही हाथ से भी स्टिच करके बना सकते हो। तो सिलाई लगाने के बाद ये सेफ्टी पिन से मैंने ये जो कपड़ा है सीधा कर लिया है, और सीधी इस सेफ्टी पिन से बहुत ही आराम से हो जाता है। तो अगर आप छोटी पिन से नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप जो पिन है ये थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप सीधा कर लीजिए। और कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, जॉर्जेट ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, शिफॉन ले सकते हैं। मैंने जॉर्जेट में भी बनाया है, मैंने सिंथेटिक वाले में भी, मैंने बहुत सारी बनाई है। तो इस तरीके से मेरे पास ये कुछ था। और उसके बाद आप इसको चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये चौड़ी वाली इलास्टिक ली है, इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है और मज़बूत भी रहता है, जल्दी फैलती नहीं है इलास्टिक। तो इस तरीके से मैंने चौड़ी वाली इलास्टिक ली है और इसको मैं अब इसमें डाल दूँगी। तो इसको डालने के बाद यहाँ से हम बाहर से इसको ऐसे ही निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें आप स्टिच लगा दीजिए। तो स्टिच लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं कुछ स्टिच कर दूंगी इसको। तो आप चाहें तो हाथ से स्टिच कर दीजिए और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मशीन से कर दीजिए। मैंने तो मशीन से कर दिया था, कई कई बार मैं हाथ से भी कर देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ आप बहुत ही बहुत कम टाइम लगता है, मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट लगा होगा मुझे ये करने में, या फिर उससे भी कम टाइम लगता है अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। और इस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, हाथों में भी आप इसको पहन सकते हैं और बालों में भी इसको आप लगा सकते हैं। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, हर ड्रेस के स्टाइल से आप बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने उसको स्टिच करके और इसका जो एक भाग है दूसरे भाग के अंदर डाल के हम फोल्ड करके, तो आप हाथों से ही, मैंने तो मशीन से लगा दिया था, और आप हाथों से ही ऐसे कुछ टाँके इसमें लगा दें जैसे हम तुरपाई वगैरह करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्क्रंची है सिर्फ कुछ ही मिनटों में बहुत ही सुंदर सी स्क्रंची तैयार हो गई है। आप चाहें तो किसी भी कपड़े में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप को जो है कौन कौन सी स्क्रंची आपने बनाई है कलर में वो भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।